الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، ذکر چل رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کہ کس طریقے سے انہوں نے شرک و بدعات کے جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے، جتنے بھی دروازے ہو سکتے تھے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے، اپنے واعظ و ارشاد کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان سارے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں اس امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ بدعت انتہائی خطرناک جرم ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ہم اس بدترین عمل کو پہچانیں گے کیسے، اس کی علامت کیا ہوگی، اس کی پہچان کیا ہوگی، اس کی نشانی کیا ہوگی اس جرم کی، اور وہ لوگ جو ان امور میں مبتلا ہوں گے ان کی علامات کیا ہوں گی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر یا الغنیۃ لطالبی طریق الحق کے اندر تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور شیخ نے یہ واضح کر دیا ہے اگرچہ لوگ ان کے نام پر شرک کرتے ہیں، بدعات انجام دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو بدعات اور شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگرچہ برے القاب سے یاد کیا جائے گا، کیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے شیخ نے اس سلسلے میں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ اہل اثر یہ اہل حدیث ہیں. اس لیے میری گزارش ہے اس امت کے ان تمام افراد سے جو
ऐसे लोगों को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, 24 नंबर 25 नंबर और न जाने किन किन अलकाबों आदाब से याद किए जाते हैं, उनसे मेरी बसद एहतराम गुजारिश है कि कम अज कम शेख की इस बात का लिहाज तो रखें जिनको आप पीराने पीर कहते हैं। सारे वलियों का सरदार जिनको समझते हैं वो भी अहले हदीस थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करने वाले थे, कुरान पर अमल करने वाले थे, वो भी अहले हदीस थे। उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस थे और अहले हदीसों को जो बुरा भला कहते हैं उनकी निशानियां, उनकी अलामतें शेख ने तफसील से बयान फरमाई है और मैं इस सिलसिले में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि खुतबे का वक्त मुख्तसर होता है। आज के खुतबे में जो गुफ्तगू होगी आपसे उसका ताल्लुक भी, अगरचे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से है, लेकिन वो ताल्लुक इस तरह का है कि इसमें कोई शुबा नहीं, कोई दो राय नहीं है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदों में उनको शुमार किया जाता है, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में उनका शुमार किया जाता है। और इस सिलसिले में उलमाए हक ने इस बात की शहादत दी कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह वलीउल्लाह थे, अल्लाह के वली थे, इसकी शहादत उलमाए हक ने दी है। और ये शहादतें जिक्र करने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ इस शहादत के लिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम काफी है कि आपके वली होने में, विलायत के मनसब पर फाइज होने में, और ये अजीम मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वली कहते किसे, हकीकी वली और सच्चा वली कौन होता है, इसकी सिफात क्या है, और क्या इस विलायत का, इस मनसब का जो शरीयत अपने मानने वालों को देती है, ये ओहदा और मनसब, क्या इसका जिक्र कुरान में आया है, और क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का तस्करा अपनी जबान से फरमाया है या नहीं फरमाया है। तो आज की गुफ्तगू होगी कि विलायत किसे कहते हैं, वलीउल्लाह कौन होता है, और इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में बहुत से नादान मुसलमान ऐसे लोगों को वली समझने लगते हैं या समझते हैं कि जिन पर वली होने की सिफात मुंतबिक ही नहीं होती, अल्लाह का वली होने की कोई खूबी, कोई सिफत उनके अंदर मौजूद नहीं है, ऐसे लोगों को वलीउल्लाह समझा जाता है। हमने सुना होगा किसी वली को कुत्ते शाह बाबा के नाम से याद किया जाता है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये लकब इस बुजुर्ग को, और बुजुर्ग वो था भी या नहीं था, क्यों अता किया गया है, लेकिन लोग हैं, अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, कब्र पर हाजिरी देते हैं, और अगर हाजिरी ही तक बात होती तो अलग बात थी, लेकिन ये कि वहां जाकर मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी शरीयत कुत्ते के सिलसिले में वाज़े हिदायत देती हो कि हमारी शरीयत में
सिर्फ जरूरत के तहत मजबूरी की हालत में कुत्ता पालना, कुत्ता रखना जायज हो सकता है, लेकिन आम हालात में कुत्ते कुत्ता पालने की इजाजत नहीं दी है शरीयत ने। और अगर आपके बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा धोने का हुक्म फरमाया गया है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि ये बुजुर्ग जो है कुत्ते शाह बाबा कैसे हो गए। इसी तरीके से हमने नाम सुना होगा और हम सुनते हैं पतंग शाह बाबा है। ये पतंग शाह बाबा पतंग बनाया करते थे या पतंग उड़ाया करते थे? और उलमाए हक ने किताबों में लिखा हुआ है कि ये पतंगबाजी और इस तरीके से पैसा इसमें लगाना उड़ाना ये सारी चीजें फजूल खर्ची के दायरे में आती हैं। तो आप सोचिए कि एक शख्स जिसका नाम ही फजूल खर्ची की तरफ मंसूब हो और जो अमल जो फेल हमारी शरीयत में मरगूब ना हो बल्कि उलमा ने नाजायज ही लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि ऐसा शख्स वली कैसे हो सकता है? किसी के बारे में कहा जाता है ये ढेर शाह बाबा है, वहां कोई मदफून है या नहीं है? लोगों ने मिट्टी का ढेर लगा दिया और वहां कोई कब्र बना दी गई, वो ढेर शाह बाबा हो गए, वली हो गए, अल्लाह के बुजुर्ग हो गए। बहुत सारे लोग पागल होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ लोगों को अक्ल से महरूम कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत, उसका निजाम है। और आप बाशऊर हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अक्ल अता फरमाई है, आप मस्जिद में मौजूद हैं। आप अल्लाह ताला का इस अक्ल पर जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला ने ये नेमत उनसे छीन लिए, सही गलत की तमीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग ऐसे लोगों को मजजूब कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हैं, डूबे हुए हैं, अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। बेचारा वो तो हमारी शरीयत ने उसको माजूर समझा है, यहां तक के रोजा नमाज और शरीयत के जितने भी अहकाम हैं मजनून और पागल शख्स से माफ कर दिए गए, उससे इन चीजों का हिसाब नहीं लिया जाएगा जब तक उसकी अक्ल ठीक ना हो जाए, ये पागलपन और जुनून खत्म ना हो जाए। लेकिन इस उम्मत का क्या हाल है कि जो मजनून है, पागल है, दीवाना है, अल्लाह की निगाह में जो माजूर है उसको समझते हैं कि ये अल्लाह का वली है, वलीउल्लाह उसको समझते हैं। या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बाशऊर हैं, अक्ल भी उनके पास मौजूद है, लेकिन कभी उनको आपने मस्जिद में नहीं देखा है, कभी नमाज नहीं पढ़ते, कभी रोजा नहीं रखते। और बाज़ हज़रात से मैंने ये बात सुनी है कि अगर ऐसे लोगों से कहा जाता है कि हजरत नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ लीजिए, या रमजान का महीना गुजर रहा है रोजे रख लीजिए, कहते हैं कि ये अहकाम आप लोगों के लिए, नमाज रोजा हज जकात ये आम लोगों के लिए है, आम मुसलमानों के लिए है, हम तो अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के वलियों में हमारा शुमार होता है और हम अल्लाह ताला की मारिफत के उस मकाम को पहुंच गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे शरीयत के सारे अहकाम अब माफ कर फरमा दिए, माफ कर दिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह का वली होने का दावा करते हैं, और हमारे समाज और मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो उनकी बातों को सही मानती है, दुरुस्त मानती है, बल्कि एक जम्मे गफीर ऐसे लोगों के पीछे लगा हुआ है और उनके नाम पर झूठी करामतें घड़ घड़ कर बयान की जाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत बड़े वली हैं, दोस्त हैं, महबूब बंदे हैं। आप सोचिए जो शख्स नमाज ना पढ़ता हो,
क्या वो अल्लाह ताला का वली हो सकता है? चाहे वो अकलमंद इंसान हो या पागल या दीवाना हो, क्या वो ऐसा शख्स अल्लाह ताला का वली हो सकता है? अगर किसी से नमाज माफ हो सकती थी कि अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा मार्फत उसको हासिल हो जाए कि अब माफ, सारी शरीयत के अहकाम उससे माफ हो गए, तो ये चीज तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ हो सकती थी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ाई। और जब आप इस पोजीशन में हो गए कि आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, ना पढ़ा सकते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाने की कोशिश की, बैठकर नमाज पढ़ी है। और सांस निकलते निकलते आपकी ये हिदायत इस उम्मत को कयामत तक के लिए है, अस्सलात अस्सलात व मलकते मन, कि नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज उम्मत के हर फर्द पर लाजमी और जरूरी है। अगर वो बालिग है, बाशऊर है, मुकल्लफ है और उसकी अक्ल व खिरत क्या है, सही है और ठीक है, तो आप सोचिए कि ऐसे लोग कैसे अल्लाह के वली हो सकते हैं। आज की गुफ्तगु मेरी इसी सिलसिले में है कि औलिया अल्लाह की सिफात क्या है और विलायत का हमारी शरीयत में माना क्या है, मफहूम क्या है, अल्लाह का वली कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। आइए तो सबसे पहले लफ्ज़े वली और विलायत को समझ लिया जाए। अरबी जबान का ये लफ्ज है, वलीउल्लाह हम किसी को कहते हैं, या किसी को यह समझते हैं कि फला शख्स विलायत के मनसब पर फाइज है, तो ये लफ्ज विलायत का या वली का अरबी जबान का लफ्ज है। अरबी जबान में वलिया यली विलायतन और वलायतन, वाओ के कसरे के साथ, फतेह के साथ, अगरचे माना में लोगों ने फर्क किया है। इसका माना होता है नजदीक होना, करीब होना। वली का मतलब यह हुआ कि वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत ज्यादा नजदीक हो जाए, करीब हो जाए। और अहले लुगत ने लिखा है, इसी लफ्ज से एक लफ्ज बना है अरबी जबान के अंदर, मौला का लफ्ज। मौला के क्या माना होते हैं? मौला का लफ्ज ये मोतिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो शख्स गुलाम को आजाद करने वाला है, वल मोतक, और जिसको आजाद किया जाए उस पर भी इसका इतलाक होता है। इसलिए कि जो आका है, जो सैयद है, जो मालिक है और जो गुलाम है, दोनों के दरमियान कुर्बत पाई जाती है, ताल्लुक पाया जाता है इसी बुनियाद पर। और इसी तरीके से मौला का लफ्ज साथी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वो साहिब, इसलिए कि जो आपका साथी होता है वो भी नजदीक होता है, आपसे करीब होता है। और यही मौला का लफ्ज दूसरे मानी में भी कसरत से इस्तेमाल होता है। आपका कोई हलीफ है, किसी से आपका मुआहदा है, उस पर भी इसका इतलाक होता है। और इसी तरीके से आपके चचा का बेटा है, उसको भी अरबी जबान के अंदर मौला से ताबीर किया जाता है। कोई आपका मददगार है, जो आपकी मदद करने वाला है, उसे भी मौला कहा जाता है। वल जार, पड़ोसी को भी मौला कहा जाता है। ये सारे लोग जिनका नाम जिक्र किया गया है, चूंकि गहरा ताल्लुक पाया जाता है, इस वजह से इनको मौला कहा जाता है। और आगे लिखा है लुगत ने, ये लफ्ज क्या है, वलियुल से बना है, वह वल कुर्ब, उसके माना कुर्ब के होते हैं, नजदीकी के होते हैं। तो मालूम ये हुआ, उसी से हमारे यहां जो दीन और शरीयत का आलिम हो उसको अदबन एहतरामन मौलाना कहा जाता है या मौलवी कहा जाता है। इसी माना और मफहूम में आइए देखते हैं शरीयत में विलायत का क्या माना है, क्या मफहूम है हमारी शरीयत में, हमारे दीन के अंदर विलायत का क्या मफहूम है। आइए, उलमा ने लिखा है, हिया मर्तबतुन फिद्दीन,
عظیمتن لا یبلغها الا من قام بالدین ظاہرا و باطنا. یہ ولایت کیا ہے؟ منصب ولایت. دین کے اندر عظیم مرتبہ اور مقام ہے. اور یہ عظیم مرتبہ اور مقام کیسے حاصل ہوگا؟ کون شخص اس عظیم مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے؟ کہا لا یبلغها الا من قام بالدین ظاہرا و باطنا. اس مقام اس درجے تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو دین پر عمل کرنے والا ہو. کیسے عمل کرنے والا ہو؟ ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی. یعنی اس کا یہ مطلب ہوا اس کے دل کے سارے اعمال اور اس کے اعضاء و جوارے کے سارے اعمال، جو ظاہری اعضاء و جوارے ہیں، یہ سب دین پر عمل کرنے والے ہوں، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں. اے اگر کوئی شخص ایسا ہے ہمارے درمیان، آپ کے درمیان، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ منصب ولایت پر فائز، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، برگزیدہ بندوں میں شامل ہے. اور آئیے ایک دوسری تعریف لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں الولایت رتبۃ ربانیۃ تبدأ بالقلب محبۃ و تعظیما للہ عز و جل وتترجم الى واقع عملی. کہتے ہیں کہ یہ ولایت ربانی مقام ہے، اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو عطا کرتا ہے. کہتے ہیں اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہوتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہوتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور محبت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن یہ محبت اور تعظیم اللہ رب العزت کی صرف دل ہی تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ آگے کہا کہ وَتُتَرْجَمُوا إِلَى وَاقِعِينَ عَمَلِينَ، یہ اللہ کی محبت تعظیم عملی شکل اختیار کر لیتی ہے. صرف زبان سے آپ کہتے رہے یا کہیں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کو آپ نے رب مانا ہے، جس کو آپ نے معبود سمجھا ہے، اس کے لیے ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، عبادت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، حج کرنے کے لیے تیار نہ ہو، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اچھے اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، اور معاملات میں دین اور شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اور آپ کہتے رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، کیا یہ محبت سچی ہوگی؟ یہ محبت سچی نہیں ہوگی. محبت سچی اسی صورت میں ہوگی، اس کا پروف اور ثبوت اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آپ عمل کر کے دکھائیں. ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ ولایت پر فائز ہے. اس کے بعد لکھا ہے فَيَكْسِبُ صَاحِبُهَا حُبَّ اللَّهِ تَعَالَى وَوِلَايَتُهُ. اگر کوئی شخص دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے اور عملی طور سے کر کے دکھاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی ولایت، اس کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا تقرب ایسے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے؟ ولایت کے منصب پر فائز. اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو ولی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ معنی اور مفہوم تھا ولایت کا. اب یہ کہ ولی کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. علماء نے ولی کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، مشہور مفسر ہیں ابن جریر طبری، ولی کی تعریف لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہوا من کان بالصفۃ التی وصف اللہ بها وهو الذی آمن واتقى. ولی کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ولی اس شخص کو کہا جائے گا جس میں وہ صفت پائی جاتی ہو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ولی ہونے کے لیے کون سی صفت ذکر کی ہے؟ میں یہ بات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں اختصار کے طور پر ہم کسے اللہ تعالیٰ کا ولی کہیں گے؟ مفسر نے ذکر کیا ہے وہو الذی آمن واتقی. ولایت کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان. اور وہ ایمان نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں
और जिस तरीके से हम ईमान का माना और मफहूम जानते हैं, बल्कि वो ईमान मतलूब है जिसकी तफसीलात हमारी शरीयत में मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की जो तफसीलात बयान फरमाई है, उस तरीके से अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो वली होने की जो सिफात है उनमें से एक सिफत हमारे अंदर मौजूद है। और दूसरी सिफत वली होने के लिए कहा वत्तका, वो शख्स वली होगा जो तकवा इख्तियार करे। तकवा मुत्तकी हो जो शख्स, तकवा किसे कहते हैं? उलमा ने इसकी जामे तारीफ की है, अल क़ियाम बिमा अमर अल्लाह बिही वल इज्तिनाब अम्मा नहा अल्लाह अन्हु। तकवा कहा जाता है कि इंसान उन तमाम उमूर को अंजाम दे जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया है, और उन तमाम चीजों से इज्तनाब करे, परहेज करे शरीयत ने या अल्लाह ताला ने जिनसे मना फरमाया है। जिससे मुख्तसर अल्फाज में मैं कहूं तो अवामिर की पाबंदी करना और नवाही से इज्तनाब करना। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो मुत्तकी है, परहेजगार है। और ये कि ईमान के चूंकि दर्जात हैं, तकवा के दर्जात हैं, ईमान और तकवा के दर्जात के एतबार से जिसके अंदर जिस तरह का ईमान है और जिस तरह का तकवा उसके अंदर मौजूद है, उसी एतबार से विलायत के मनसब पर फाइज है। लिहाजा आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, रहनी चाहिए कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, जो शख्स मस्जिद में नहीं आता है, या शरीयत ने उसको माजूर समझ रखा है, लिहाजा ऐसे लोगों को या जिनके आमाल मशरू नहीं है, हराम आमाल में मुब्तला है, गुनाहों में मुब्तला है, याद रहे कि ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली नहीं है। वलीउल्लाह ऐसे लोगों को नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए, और हमारी शरीयत ने हमारे दीन ने जिन लोगों को विलायत के मनसब पर फाइज किया है और जिस मकाम तक पहुंचाया है, उन्हें वही मकाम देने की हमें तौफीक अता फरमाए। उस मकाम में ना तो हमें ज्यादती करनी है और ना उस मकाम में कमी करनी है, दोनों चीजें इंतहाई खतरनाक हैं। शरीयत ने हमें एक मियार दिया है, एक पैमाना दिया है, उसूल बतला दिया है कि आप किसे अल्लाह का वली कहेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।